हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे TDS एंड GST। GST में कब TDS डिडक्ट करना है, कौन डिडक्ट करेगा, कितना अमाउंट का अगर सप्लाई होगा तब डिडक्ट करेगा, वो बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई सप्लायर सप्लाई करता है किसको, गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई बड़ी जो क्रिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट का पास है, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई सोसाइटी जो क्रिएट किया गया है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड है, तो वो केस में TDS डिडक्ट होगा। सप्लायर जब सप्लाई करेगा ये गवर्नमेंट एजेंसी को, वो जो हम डिस्कस किए, गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट है कोई गवर्नमेंट का या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई बॉडी क्रिएट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसका कंट्रोल 51% इक्विटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास है या स्टेट गवर्नमेंट का पास है, या कोई लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी, जब सप्लायर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई करता है ये सब गवर्नमेंट एजेंसी को, वो केस में TDS डिडक्ट होगा। तो TDS कितना परसेंटेज डिडक्ट होगा, TDS रेट क्या रहेगा, TDS रेट रहेगा 2%। 2% TDS रेट रहेगा गवर्नमेंट एजेंसी डिडक्ट करेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितना अमाउंट होने से वो कॉन्ट्रैक्ट में डिडक्ट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का अगेंस्ट में कोई सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर ये गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई करता है, वो केस में TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। अगर कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का ऊपर है तब कटेगा। सपोज अगर 1 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तब नहीं कटेगा। अगर एक ईयर में मेरा 5 कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख का है तो भी नहीं कटेगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया है, इट इज़ फॉर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 2.5 लाख तब TDS कटेगा। TDS रेट रहेगा 2%, तो गवर्नमेंट एजेंसी डिडक्ट करेंगे। इसमें GST का ऊपर क्या TDS कटेगा, GST का ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा, नो TDS ऑन GST। ये जो डिडक्ट करेंगे, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट एजेंसी डिडक्ट करेंगे TDS, वो जो TDS डिडक्ट करेंगे विद इन 10 डेज उनको डिपॉजिट करना है, नेक्स्ट मंथ विद इन 10 डेज डिपॉजिट करना है और रिटर्न भी भरना है। जब ये TDS डिपॉजिट करके गवर्नमेंट एजेंसीज जब TDS डिपॉजिट करके वो रिटर्न भरेंगे, तब ये जो TDS अमाउंट जो डिडक्ट किया गया है भाई गवर्नमेंट एजेंसी, उसका जो बेनिफिट क्रेडिट मिल जाएगा सप्लायर को। तो वो जो जब वो GSTR 3B फाइल करेगा सप्लायर, वो टाइम में उसका वो क्रेडिट वो ले सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो जो TDS अमाउंट डिडक्ट किया गया गवर्नमेंट एजेंसी का द्वारा, वो TDS वो यूज कर सकता है दूसरा जो GST पेमेंट के लिए, वो पेमेंट के लिए उसको यूज किया जा सकता है। उसका मतलब जो TDS डिडक्ट हो रहा है उसका बेनिफिट, उसका क्रेडिट सप्लायर को मिल जाता है। जब लेकिन वो उसके लिए वो कंडीशन, मतलब तब मिलेगा जाके सप्लायर को बेनिफिट, जब ये रिटर्न फाइल कर देंगे वो TDS डिपॉजिट करके, नेक्स्ट मंथ 10 डेज के अंदर जब ये गवर्नमेंट एजेंसी TDS जमा कर देंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे, तब बेनिफिट मिल जाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा सप्लायर को, और उसका ऊपर वो GST के अगेंस्ट में उसको एडजस्ट कर सकता है। ये जो TDS डिडक्ट करेंगे, TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो इशू करना ऑटोमेटिक हो जाता है, वेबसाइट से आ जाता है। ये GSTR 7 अगर ये जो फाइल कर देंगे, GSTR 7 फाइल करने से ऑटोमेटिक GSTR 7 है सिस्टम जनरेटेड TDS सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।